असलम वेलकम बैक टू माई चैनल उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खेरी से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सो so, जी आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एच एन एम और इस वीडियो में आप कुछ हमारे यहाँ के मॉल्स के जो हैं वो डेकोरेशन और सीजन के हिसाब से किस तरह वो डेकोरेट करते हैं कुछ वो वीडियो क्लिप्स देखेंगे और इसी के साथ साथ देखेंगे आप लोग एच एन एम का टूर सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी वराइटीज़ और यहाँ पे स्टोर्स में किस तरह और क्या क्या होता है सार चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी सो so लेट्स अब हम दाखिल हो चुके हैं हमारे फेवरेट सेक्शन में सो जो कि है किड्स का सेक्शन जो बच्चों की जगह है यहाँ पे बच्चों के साइड बच्चों के कपड़े बहुत ही प्यारे होते हैं uh, क्वालिटी इनकी बहुत बहुत ज़बरदस्त होती है और एंड आई थिंक एच एन एम के जो बच्चों के कपड़े हैं मोस्ट ऑफ देम आर क्वाइट रीजनेबल अगर हम इनके एक्सपेंसिव निकालें इनके ये सारा जो है ओबियसली yeah, आपको देखना पड़ता है क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं यहाँ पे स्पेशली कि एच एन मतलब जो है वो एक्सपेंसिव है आई थिंक इट्स नॉट एक्सपेंसिव ओबली उन्होंने भी जो है हमसे ही अपने हर चे एक्सपेंसि निकालने होते हैं सो इट इज़ क्वाइट रीज़नेबल उस हिसाब से देखा जाए अदरवाइज़ इस तरह की जो कुछ क्वालिटी यहाँ पे है वो बाय जो है वो ज़्यादा अच्छी जो है वो क्वालिटी मिल जाती है अब जैसे कि ये ड्रेस आप देख रहे हैं सो दिस वॉज आई थिंक अबाउट फिफ्टी डॉलर मतलब फोटी नाइन पॉइंट नाइन का तो इस क्वालिटी में इतनी प्राइस में आपको यही क्वालिटी मिलेगी एंड दिस इज़ आल्सो नॉट टू बैड रियली नाइस और गर्मियों के लिए जो है स्पेशली वो ठीक है बच्चे घर में पहन सकते हैं एंड अच्छे लगते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर चाइनीज़ बच्चों को भी हम देखते हैं तो इस तरह की भी क्वालिटी या आप कह लें कि प्राइस में भी वो पहनते हैं सो so, uh, अगर आप एच uh, में शॉपिंग करना चाह रहे हैं और कम बजट या कम प्राइस में आप लोग देखना चाहते हैं तो आई थिंक एच एन एच एन एम जो है वो फिर सूटेबल uh, जगह नहीं है क्योंकि अगर आप बजट कम देखते हैं आ, सेल लगी हो तो वो अलग बात है क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी हमने शॉपिंग की है जब आ, श, चीज़ हम ले रहे होते हैं तो वो हंड्रेड डॉलर की होती है एंड राइट में भी नेक्स्ट वीक या आफ्टर टू मंथ्स वही चीज़ जो है हंड्रेड की वो एकदम लो हो के $40 या फिफ्टी डॉलर पे आ जाती है वो चीज़ वेरी शॉकिंग कि वो बिल्कुल ना हाफ़ प्राइज में हो जाती है लेकिन क्या है जब उनको निकालना होता है तो ओबली वही चीज़ जो है वो कम प्राइज़ में वो लो प्राइज़ में वो सेल करते हैं तो ये तो सभी जगह ऐसा होता है एंड यहाँ की चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं बच्चों की तो खास करिए और हमारा तो यहाँ का ये यह फेवरेट स्टोर है एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि यहाँ पर इस सिटी में और कोई इस तरह की बच्चों की जगह हो क्योंकि एच एन एम जो है हर जगह आप किसी से भी सुने तो वो मोस्टली हमको एच एन एम का ही सजेस्ट करेंगे कि आपको अच्छी क्वालिटी या फिर बाहर के कपड़े जैसे बच्चों के लेने हैं तो आप एच एन एम ही जाएं वरना यहाँ पर आप सबको बताएं कि शमशेपुर मोंगकॉक इस तरह के जो नाइट मार्केट्स या मार्केट्स लगती हैं सो मोस्टली लेडीज़ या हम सब वहीं ही जाते हैं बिकॉज़ हम सब को सिर्फ वहीं का पता है कि वहाँ पे अफोर्डेबल रीज़नेबल प्यारे और गुड क्वालिटी में भी चीज़ें होती हैं लेकिन अगर आप ब्रांड की बात करें तो आई थिंक uh, uh, मुझे तो सिर्फ एच एन एम का पता है इसके अलावा और भी बहुत तरह के हैं यहाँ पे लेकिन जो उनकी बात मैं बात नहीं करूँगी बिकॉज वो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है जो तीन तीन चार चार पाँच पाँच सौ के सिर्फ़ एक शर्ट बच्चों की मिलती है सो विच इज़ वे टू एक्सपेंसिव सो एच एन एम इज़ वेरी मच अफोर्डेबल और दिस इज़ आवर फेवरेट स्टोर सो बड़ों के भी यहाँ पर क्वाइट अच्छे मिल जाते हैं लेकिन मैंने अब बहुत कम क्योंकि मैं एच एन एम से वेस्टर्न लेती हूँ सो so, uh, uh, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती लेकिन हाँ जी uh, जब से ओबियसली फ़ैमिली हुई है बच्चे हुए हैं सो so, ये लोग तो यहाँ पे बहुत ही मज़े से आके शॉपिंग करती हैं और ये भी ले दें वो भी ले दें मतलब कि जो चीज़ देखेंगे वो कहेंगी सारी हमें ही ले दें और कुछ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल पर भी लगे हुए हैं और जैसे कि ये है ये हमने लास्ट टाइम बाई किया था कलर डिफरेंट था बिकॉज बट बाकी वो यही था और यहाँ पे ये हैं जूते शूज़ आ जाते हैं बच्चों के तो ये भी इन्होंने कुछ ऑफर में लगाए हुए थे कि इसकी ओरिजिनल प्राइस ये है तो कट करके वो वह इतने लगाए हुए लेकिन ये सारे जो हैं सौ के हैं सौ से नीचे कोई भी नहीं है लेकिन दे आर वेरी नाइस क्योंकि अगर आप ये वाला जो अभी मैं शूज़ देख रही हूँ अगर आप बाहर से भी बाय करेंगे सो इट्स गोइंग टू बी इतना ही होगा इट्स गोइंग टू बी अराउंड एट्टी नाइनटी एटी नाइन सेवनटी फाइव सो अगर आप ब्रांड की चीज़ ले रहे हैं हंड्रेड में वो भी डिस्काउंट में तो वो भी आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया और ये वाले तो मुझे बहुत पसंद आए थे लेकिन क्या था एक तो ये विंटर सीजन के थे और दूसरा क्या था कि इसमें बिल्कुल छोटे छोटे साइजेस थे जो कि मेरे किसी काम के नहीं थे तो ये देखें यहाँ पे ये छोटे से बच्चों के भी आप लोग देख सकते हैं कि डिस्काउंट पे ये फिफ्टी के लगे हुए थे तो अगर आप लोग इसमें से कोई लेना चाह रहा है किसी के इतने छोटे बच्चे हैं तो ज़रूर यहाँ पर विजिट करें सो so, ये वाला जो स्टोर था आप लोग मुझे पूछ सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू विज़िट इन द सेम स्टोर दर आई वन टू तो आप मैं आपको बता सकती हूँ आप लोग नीचे कमेंट कर दें सो प्लीज़ डू लेट मी नो कि हांगकांग में और कोई बच्चों की कंपनी इसी तरह की अफोर्डेबल इफ़ एनी वन तो मुझे या कोई शॉप हो जाए ज़रूरी नहीं कि कोई ब्रांड ही हो कोई इस तरह की अच्छी शॉप हो जाए जो यहाँ पे अफोर्डेबल कपड़े बच्चों के सेल करती हैं या ऑनलाइन वेबसाइट या एनी थिंग लाइक दैट सो ये वाले सेक्शन जो था वो भी ये वाला सारा सेल पे था एंड ये आ जाते हैं बच्चों के हेयर ब्रशेज हेयर पिन हेयर एक्सेसरीज़ वग़ैरह तो ये भी क्वाइट uh, जो है वो बहुत मतलब कह लें कि बहुत प्यारे थे अट्रैक्टिव लगते हैं इन्होंने इस तरह बनाए हुए होते हैं ना कि बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं सो so ये कह रही थी कि uh, मुझे ये वाला ब्रश लेके दें ये क्वाइट uh, जो है वो लग रहा है कि इसके ऊपर uh, एना आल्सा का फोटो भी बना हुआ है एंड यू कैन सी कि इन्होंने खुद भी एना आलसा के फ्रोजन थीम के ही कपड़े पहने हुए क्योंकि उनको ये बहुत पसंद है सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जब इस तरह के बच्चे देखते हैं जो कि उनकी फेवरेट कार्टून या इस तरह के लगे हुए होते हैं उन पर तो वो काफ़ी ज़्यादा ना फिर उस पर अट्रैक्ट होते हैं और भाग के जाते हैं उन चीज़ों के पास अच्छा ये वाले जो ड्रेसेस थे इवन दो ये इसकी क्वालिटी थोड़ी सी मुझे जो है वो हल्की लगी है बट इट्स बेस्ट फॉर समर समर के लिए बेस्ट है आई थिंक ये हंड्रेड एंड सिक्सटी का एक ड्रेस है एक सौ साठ का सो इट्स वन फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन का एक ड्रेस है यहाँ के मुताबिक इट्स वेरी रिजनेबल और ये जो बैग्स क्लचेज़ और यहाँ पे की कीचेंस एंड एक्सेसरीज़ वग़ैरह बच्चों के लिए ये भी बहुत ज़बरदस्त थी क्योंकि बच्चे तो छोड़े मैं खुद देख के इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं चीज़ें कि इतना अट्रैक्ट होता है बंदा इनको देख के सो so, क्योंकि इस तरह के बैग बिल्कुल एक्जैक्टली यही बैग इस तरह का एक्जैक्टली नहीं उसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है लेकिन उन्होंने लिया हुआ है सो मैं कहती हूँ कि आप लोग कैरी भी नहीं करती जब बाहर जाती हैं तो फिर थोड़ी देर पकड़ेंगी और मुझे पकड़ा देंगी फिर कि आप पकड़ें और फिर मेरे पास तीन तीन चार चार बैग हो जाते हैं अपना भी होता है वन वी गो आउट तो फिर मैं कहती हूँ कि अगर आपने पकड़ना नहीं है तो फिर इतना लो मत क्योंकि जो पहले घर पे होते हैं वो पहले यूज़ करें क्योंकि बच्चों का तो काम ही यही होता है ज़िद करना सो so, हम जो हैं पेरेंट्स एज पेरेंट्स हमें जो है सोच समझ के स्पेंड करना चाहिए ये नहीं कि ये भी ले दिया वो भी ले दिया जरूरत के मुताबिक चीजें लें ताकि बच्चों को भी जो है पता होना चाहिए कि भाई हमारी ये जरूरत है या कि हमारी ख़्वाहिश है सो so, बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए सो so दैट उनको फ्यूचर में मुश्किल ना आए सो so ये वाले मिकी माउस वाले ये मिनी वाले मुझे बहुत अच्छे लगे थे मिनी मास और ये जो अभी मैंने आपको एल्सा वाले इसने जो शूज़ अभी देखे हैं विच यूल सी मे बी नेक्स्ट थोड़ा क्लिप में तो ये इसने बाय कर लिए थे क्योंकि आई डोंट नो व्हाट हैपन तो वहाँ पे जाके कह रही कि मेरे पाँव में जो है वो दर्द हो रहा है और बाकी वो जो उसके जूते थे लगे तो बहुत प्यारे थे जो उसने पहने हुए थे ये देखें तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ले लो देन हमने फिर ये वाले जो आ, जो छोटी बेटी है उसके लिए ये पेयर हमने लिया था दिस वाज आई थिंक वन सेवेंटी नाइन तो बहुत लाइट वेट थे ये एंड आई थिंक इट्स इजी फिलहाल तो ये सही जा रहे हैं एंड uh, उसको बहुत अच्छे लगे थे अब वो इसका इतना फेवरेट हो गया कि कहीं भी जाती है तो कहती है मैंने एल्सा वाले जूते पहने सो so, अब ये है इसका फेवरेट शूज़ फॉर नाव के लिए तो ये जी न्यू बॉर्न का सेक्शन है ये भी क्वाइट रीज़नेबल होता है गुड क्वालिटी सॉफ्ट स्टफ़ और अच्छी चीज़ें होती हैं इसमें कुछ में यहाँ पर अच्छा बच्चों में ये होता है कि सेट्स में जब चीज़ें आती हैं ना तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा रीज़नेबल मिल जाती हैं और दूसरा ये होता है कि वो ना क्वाइट um, आप लोग कह लें कि रीज़नेबली uh, कह सकते हैं मतलब एक जो सेट आता है उसमें आप लोग ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक बाय टू उसमें ऑफ़र ज़्यादा होती है so, अक्सर मैंने देखा है कि जो बॉर्न सेक्शन होता है तीन से चार साल में भी या दो से तीन साल तक वो सेट में चीज़ें लगाई हुई होती हैं सेट एज़ इनके एक ही हैंगर में दो दो तीन तीन चीज़ें मतलब इसके साथ ये भी है ये भी है ये भी है और इसकी प्राइस जो है फॉर एग्जांपल सेवनटी नाइन या एटी डॉलर है सो so, एटी में आप लोग कह लें कि तीन चार पांच चीज़ें बच्चों की न्यू बोर्न की आपको आ जाती हैं सो so, अगर आप लोग न्यू बॉर्न की चीज़ें देखना चाहते हैं तो एच एन एम ज़रूर विज़िट करें आई थिंक इट्स अ बेस्ट स्टोर और सॉफ्ट क्वालिटी होती है और बहुत अच्छी होती है और ट्रस्ट में ये इतनी जल्दी कहीं जाती भी नहीं है सो so, यहाँ पे ये है सॉक्स लगी हुई थी अभी तो मेरे पास इस तरह का बंडल एक न्यू पैक पड़ा हुआ है जो कि इस्तेमाल भी नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा आ गया था सो so, वो अभी तक इन्होंने यूज़ नहीं किया लेकिन अभी बड़ी बेटी के वो इन काम आएगा हमारी शॉपिंग यहाँ पर कम्प्लीट हो गई है मोस्टली मैंने आपको यहाँ पे बच्चों का ही सेक्शन दिखाया क्योंकि ट्रस्ट में यहाँ पर हमने दो आवर्स गुजारे पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया और ख़ूब वीडियो भी बनाई आप सब के लिए और हमने जितनी शॉपिंग करनी थी हमने कर ली है और इन बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप लोग Uh, कोई स्टोर या कोई शॉप कमेंट कर सकते हैं तो वहाँ पे जाके मैं वीडियो बना सकती हूँ सो दैट आपकी भी इंफॉर्मेशन के लिए घर बैठे बैठे आप लोग देख सकते हैं कि भई स्टोर में क्या क्या नई वैरायटी आई है सो so, जी उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दे कमेंट करके ज़रूर बताए आपको इसकी इस वीडियो के बारे में स्टोर के बारे में क्या कहना है एच आपको कितना पसंद है या फिर आप अपने बच्चों की चीज़ें या कपड़े कहाँ से लेते हैं इफ़ यू लिव इन हॉन्ग कॉन्ग और इवन दो यू लिविंग इन एनी प्लेस कहीं भी आप लोग रहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि बच्चों के आप लोग uh, क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको ब्रांड ही बनाना चाहिए या फिर लोकल भी जो गुड क्वालिटी लोकल शॉप या स्टोर्स होते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग uh, शॉपिंग करते हैं सो so, जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दो हमें याद रखें अल्लाफ़